सब कुछ सही है, फिर भी एफटीओ 9 से यस नहीं हो रहे। जिन किसान का एफटीओ 9 से यस नहीं होगा उसी सारे किसान को तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा क्यों नहीं मिलेगा ये भी जानेंगे। और बहुत सारे किसानों का दो तीन दिन से ये भी कमेंट आ रहा है कि मेरे तो स्टेटस पर सब कुछ सही करके रखा है लेकिन एफटीओ प्रोसेस 9 बता रहे, आरएफटी सिग्नल फॉर इंस्टॉलमेंट आ चुका है। और ऐसे भी बहुत सारे किसानों का कहना है कि एफटीओ प्रोसेस 9 है लेकिन स्टेटस पर कुछ भी रीजन लिखा नहीं आ रहे। और ऐसे भी किसानों का कहना है कि मेरे तो एफटीओ प्रोसेस 9 आ रहे लेकिन एफटीओ विल बी जेनरेट बता रहे। और ऐसे भी बहुत सारे किसानों का कहना है कि स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट बता रहे एफटीओ प्रोसेस 9 आ रहे। तो दोस्तों एफटीओ प्रोसेस 9 से यस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सभी का स्टेटस पर क्यों एफटीओ 9 से यस नहीं हो रहे ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि एफटीओ प्रोसेस यस करना बहुत मैंडेटरी है, एफटीओ यस नहीं होगा तो फाइनल आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए सो हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। सबसे पहले सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट पर आने के बाद एक पॉपअप यानी कि नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से जो 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट है ये आपको ट्रांसफर होने वाला है किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी के खाते पर 15 नवंबर 2023 यानी कि सुबह का 11:30 बजे बटन दबा के पैसा जारी होगा। ये जो पैसा है दोपहर के शाम तक पैसे किसानों के खाता पर डीबीटी के माध्यम से आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सभी पैसा पाने के लिए आप सभी को स्टेटस पर सही करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को फार्मर कॉर्नर पर आना होगा, उसके बाद नाम और स्टेटस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने और एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्सा डाल के गेट डाटा पर क्लिक कर दीजिएगा। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का जो भी स्टेटस होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टेटस पर आने के बाद सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आप सभी लोग मोबाइल नंबर को फॉलो कीजिएगा। अगर आप सभी का मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा है तो दोस्तों अपडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके आधार नंबर को पेश करके चेक कीजिएगा कि आप सभी का KYC कम्प्लीट हुआ कि नहीं। उसके बाद सभी को आना होगा इलिजिबिलिटी स्टेटस पर। दोस्तों इलिजिबिलिटी स्टेटस पर आने के बाद लैंड सेटिंग, KYC, आधार सेटिंग ये तीनों पॉइंट सही रखना बहुत मैंडेटरी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि ये तीनों पॉइंट सही होने के बाद भी एफटीओ प्रोसेस यस नहीं हो रहा है। अभी हम देखेंगे एफटीओ प्रोसेस यस क्यों नहीं हो रहा है। अभी देखिए ये जो किसान है ये किसान का एफटीओ प्रोसेस 9 बता रहे लेकिन एफटीओ प्रोसेस 9 होने का रीजन कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है। इसमें लिखा रहे पेमेंट इंटरेस्ट की जगह वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। दोस्तों जिन किसान का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है एफटीओ प्रोसेस 9 बता रहे यानी कि काफी दिन हो चुका है उन सारे किसान और 2 दिन वेट कीजिएगा क्योंकि वेटिंग और अप्रूवल आने के बाद आपका एफटीओ प्रोसेस यस हो जाएगा। आप लोग फॉलो कीजिएगा कि इसमें रीजन ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसेस की जगह क्या लिखा रहा है। लेकिन जिन किसान का स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट आ रहा है उन सारे किसानों को क्या करना होगा। दोस्तों स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट का मतलब होता है आपकी जो पैसा है आपका राज्य सरकार की तरफ से रुका हुआ है यानी कि राज्य सरकार में रुका हुआ है, अब तक केंद्र सरकार के पास सेंड नहीं किया है। दोस्तों स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट जब तक नहीं आटेगा तब तक आपका एफटीओ प्रोसेस यस भी नहीं होगा। इसके लिए सभी लाभार्थी को क्या करना होगा, अपने जो वेरिफिकेशन है ये करना होगा। उससे पहले देख लीजिए जिन किसान का एफटीओ विल बी जेनरेट आ रहे उन सारे किसान को भी एक वेरिफिकेशन करना होगा, आपके चेक करना होगा कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद आ रहे जिन किसान का आरएफटी सिग्नल फॉर इंस्टॉलमेंट बाय 5 इंस्टॉलमेंट आ रहे। दोस्तों आरएफटी सिग्नल फॉर इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है, देखिए आरएफटी का फुल मीनिंग होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, मतलब आपकी जो पैसा है पैसा के लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के पास रिक्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब तक किसान सम्मान निधि योजना की स्टेटस पर पेमेंट मोड आधार किया है तब से आपको आरएफटी वेटिंग फॉर अप्रूवल यानी कि एफटीओ विल बी इतना मैंडेटरी नहीं है, स्टेटस कंप्लीटली ब्लैंक होगा। ये जो एफटीओ सीरियस होगा उसके बाद भी पैसा मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले सभी लाभार्थी को 3 वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले आप सभी को चेक करना होगा कि अपने पीएफएमएस जो लाइव स्टेटस से लाइव स्टेटस पर क्या शो हो रहा है। PFMS का लाइव स्टेटस चेक करने के लिए सभी को यह डायरेक्ट पेज पर आना होगा। यह डायरेक्ट पेज का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पर आने के बाद ये टास्क बार में टास्क कर दीजिएगा। उसके बाद पेन जैसा ऑप्शन है इसी पर क्लिक करके ये जो स्टार है स्टार को हटा के स्टार के जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप लोग चार्ज करके चेक कीजिएगा कि PFMS का तरफ से क्या अपडेट बता रहे। चार्ज करने के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है उसके अंदर जो भी PFMS का लाइव अपडेट होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये किसान का देखिए इसमें क्या बता रहे, एक
जुलाई 2023 में किसान सम्मान निधि योजना तरफ से पीएफ में रेस्पॉन्स की जगह एक्सेप्ट कर दिया है। अगर आप सभी का पीएफ में रेस्पॉन्स में इस तरह आ रहा है तो दोस्तों आप सभी का पीएफएमएस के वेरिफिकेशन सही है। उसके बाद सभी को जाना होगा पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनमें डायरेक्ट क्लिक करके आप सभी लोग ये पेज पर आ सकते हैं। इस पर आने के बाद ये जो ट्रैक डीपीटी डिटेल्स है इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ओरेगन टाइपलिस्ट ओपन होगा, जिसमें आपको ये फॉर्म को फिलअप करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक करना होगा कि आपने जो एनपीसीआई स्टेटस है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम शो हो रहा है। दोस्तों एनपीसीआई का अपडेट चेक करने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, सबसे पहले कैटेगरी के जगह पीएम किसान सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद डीबीटी स्टेटस के जगह बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद एंटर एप्लीकेशन आईडी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट करना होगा, उसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन की जगह इसमें जो भी कैप्सा है सम कैप्सा डाल के चार्ज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चार्ज पर क्लिक करने के बाद नीचे अपडेट ओपन हो जाएगा, आप लोग फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले बेनिफिशियरी डिटेल्स मिलेगा, इसी पर आने के बाद एप्लीकेशन आईडी बेनिफिशियरी नेम एजेंसी कोड यानी कि स्कीम कोड ये सारे तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें आधार नंबर भी शो होगा। जिन किसान का अकाउंट नंबर शो हो रहा है, बैंक नेम शो हो रहा है, आईएफएससी कोड शो हो रहा है, उन सारे किसान एफटीओ प्रोसेस 9 से यस करने के लिए प्रॉब्लम होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके जो डीबीटी पोर्टल है डीबीटी पोर्टल पर क्या बता रहे हैं। अगर आपका पीएफएमएस लाइव स्टेटस पर एक्सेप्ट आ रहा है, इसी पर रिजेक्ट आ रहा है, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस पर अपडेट होने में 1 महीना लगता है और पीएफएमएस का लाइव स्टेटस अपडेट होने में आपको 15 दिन लगता है। अगर आपका पीएफएमएस लाइव स्टेटस पर अपडेट हो चुका है, इसी पर अपडेट नहीं हुआ है, तो दोस्तों 15 दिन के अंदर इसमें भी अपडेट हो जाएगा। अभी आप सभी को लास्ट वेरिफिकेशन चेक करना होगा। लास्ट वेरिफिकेशन चेक करने के लिए सभी लाभार्थी को ये जो आधार का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, उसके बाद आप सभी को नीचे तरफ स्क्रॉल करना होगा। नीचे तरफ स्क्रॉल करने के बाद इसमें एक ऑप्शन लिखा होगा वेरीफाई एन आधार नंबर, उसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने और एक पेज ओपन होगा, जिसमें आप सभी को लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक पेज मिलेगा, जिसमें आपको आधार नंबर सबसे पहले डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद इसमें जो भी कैप्सा कोड है सेम कैप्सा कोड डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड होगा, डायरेक्ट ओटीपी कॉपी करना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप सभी को बैंक आधार सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने और एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको लिखा होगा कांग्रेचुलेशन योर बैंक। दोस्तों जिन लाभार्थी का इसमें देखिए एनपीसीआई जो आधार बैंक सेटिंग स्टेटस है इस पर एक्टिव बता रहे, इसमें लास्ट अपडेट डेट ये आ रहे और इसमें आधार नंबर शो कर रहा है और इसमें बैंक नेम शो कर रहा है, तो दोस्तों आप सभी को जो पैसा है पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो आधार सेटिंग पर एक अपडेट हुआ है इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो अपडेट दे दूंगा, लेकिन सभी किसान को अभी फिर से गो टू डैशबोर्ड पर आना होगा। आने के बाद आप सभी लोग चेक कीजिएगा कि इसमें जो लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक आ रहा है इसी पर आपको क्या बता रहा है। अगर आप सभी का इसमें लॉक करके आ रहा है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक की जगह, तो दोस्तों आपके किसान सम्मान निधि योजना तरफ से एफटीओ प्रोसेस यस होगा, इसके लिए आप सभी को कोई टेंशन नहीं है। अगर इसमें आपको अनलॉक लिखा होगा इस तरह आपको लॉक रेड कलर का लॉक दिखाई नहीं देगा, तो शायद आपका एनपीसीआई पर पिछड़ा पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसके लिए फिर से आप बैंक से आधार लिंक करके इसको बायोमेट्रिक को लॉक करके रखिएगा, क्योंकि आधार बायोमेट्रिक लॉक करने की वजह से आपके जो स्टेटस है यानी कि आधार कार्ड के जो अपडेट है ये कभी भी लीक नहीं होगा, यानी कि जो स्कैम नहीं होगा, जिसके वजह से आपके जो आधार कार्ड है सही डॉक्यूमेंट और सही अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने जो भी वेरिफिकेशन आप सभी को बताया है यह सब कुछ सही है या कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, आप लोग सही कीजिएगा। अगर आप सभी का सब कुछ सही बता रहे हैं मैं जिस तरह बताया है, तो दोस्तों आप लोग वेट कीजिएगा 17 नवंबर तक, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा तो 15 नवंबर में जारी होगा, यानी कि आज जारी होगा। अगर आपको आज नहीं मिलेगा तो 17 तारीख के अंदर यह स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जिन किसान का स्टेटस पर अपडेट नहीं हुआ है उन सारे किसान को 17 नवंबर तक अपडेट मिलना बाकी है। तो दोस्तों आप लोग वेट जरूर कीजिएगा अगर आपका सब कुछ सही बता रहे। जय हिंद जय भारत।